वहीं एक और जहां प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर कई योजनाओं पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल की पड़ताल की गई। तो यहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली व्यवस्था वेंटिलेटर पर दम तोड़ती नजर आई। व्यवस्थाओं को लेकर अब मरीजों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ बिना बेड सीट के बेड दिया गया है, साथ ही मरीजों को खाना भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने उक्त मामले अनूपपुर से ओमपाल सिंह की रिपोर्ट। मुमन ऐसा होता नहीं है, मेरे राउंड में जब भी राउंड में गया हूँ मैं तब ऐसा तो मुझे नहीं मिला। आपके द्वारा अगर ऐसी बातें सामने आई है तो इसके बारे में मैं संज्ञान लेता हूँ और जो जो कर्मचारी है जो ऐसा किए होंगे उनके कार्रवाई होंगे। देखते हैं, मैं पहले राउंड ले लूँ, पहले पता लगा कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, उस कमी को फिर दूर करते हैं। मैडम कहा कि पर्ची देखा होगा, तो फिर हम पर्ची लेके चले गए, वो मैडम नहीं आ रहा है। पर्ची और पहले नहीं देखने गए थे, कल डॉक्टर नहीं देखे थे? फिर किस चीज़ का पर्ची मांग रहे थे? पता नहीं, दवा को सर डॉक्टर ने आप पर्ची दी, चले जाओ दवा। क्या नाम है आपके? तिजिया। हाँ। कहाँ से आई हो? पटना से। किनको लेके आई हो? इनको। क्या नाम है इनका? दयाराम। हाँ। इनकी पत्नी है। हाँ। नर्स आपको डांट रही थी? हाँ। क्या बोल रही थी? बोले कि हम्म।